Good morning, everybody. Welcome to Nav Bharati's family. So, our today's topic is tense. All right. Tense is the basic of English grammar. ठीक है, अगर आपको एक बार टेंस आ जाते हैं तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू मेक सेंटेंसेज, इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन अ ईजी वे. ऑल राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. टेंसेज, व्हाट डज टेंसेज मीन्स? वैसे तो टेंसेज को हम हिंदी में बोलते हैं काल, लेकिन काल क्या होता है? काल सुन के हमारे दिमाग में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो होता है टाइम, समय. ठीक है, इन इंग्लिश टेंस की डेफिनेशन है इंडिकेट द टाइम व्हेन एन एक्शन और इवेंट अकर्स. टेंस इंडिकेट्स द टाइम, इंडिकेट्स द टाइम व्हेन एन एक्शन और इवेंट अकर्स. जब भी कोई भी एक्शन या कोई भी इवेंट होता है तो टेंस हमें उसका टाइम इंडिकेट करता है. इन शॉर्ट इट इज टाइम्स ऑफ एक्शन, और वी कैन से टाइम्स ऑफ एक्शन. ऑलराइट, और टेंस पे जो फर्स्ट मतलब सबसे मेन चीज क्या होती है, हमारी होती है वर्ब. एंड व्हाट डज वर्ब मीन? वर्ब मीन्स क्रिया, कोई भी काम. जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, इसमें वर्ब क्या होगी? पढ़ाना. ठीक है, तो जो वर्ब होती है वो टेंसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेंसेस, ये उसकी डेफिनेशन. इन शॉर्ट टेंसेस मीन्स टाइम्स ऑफ एक्शन. ऑल राइट, नाउ टाइप्स ऑफ एक्शन, सॉरी टाइप्स ऑफ टेंसेस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, second one is past tense, and third one is future tense. All right, present tense means vartman kal, past tense means bhutkal, and future tense means bhavishya kal. ऑल राइट, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? जो काम हमारा चल रहा है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, ये क्या हो गया? मेरा प्रेजेंट टेंस. पास्ट टेंस, जो काम बीत चुका है, हो चुका है, अब नहीं हो रहा है. फ्यूचर टेंस, जो काम होगा. ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे. ठीक है, और अब ये देखिए ये चीज क्या है, indefinite tense, continuous tense, perfect continuous tense. ये चारों हमारे इन तीनों टेंस के टाइप्स हैं. चार इसके टाइप होंगे, चार इसके और चार इसके, टोटल 12. ठीक है, indefinite tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. अगर हम इसको प्रेजेंट में लेते हैं तो इसका होगा प्रेजेंट indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. यही सारे tense same होंगे past में भी, बस difference क्या होगा, उनके आगे past लग जाएगा. past tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and the last one is past perfect continuous tense. फ्यूचर टेंस के केस में भी सेम चीज होगी, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो ये हमारा हो गए, ये सारे हमारे हो गए टेंसेस के टाइप्स के, हमारे टोटल कितने टेंसेस होते हैं. ठीक है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं सबसे ईजी तरीका बताऊंगी आप लोगों को टेंसेस समझने का. ऑल राइट, आई विल शो यू अ चार्ट जिसमें सारी वर्ब्स होंगी, सारे फॉर्मूलाज होंगे. ठीक है, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आई एम गोना टीच यू टेंस इन द इजिएस्ट वे. ऑल राइट, सो मैं साइड में हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए सो दैट यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक. अपने नोटबुक में लिखिएगा क्योंकि ये टेंसेस के बहुत ईजी नोट्स हैं.
इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएंगी, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू ऑल द टेंसेस, ऑलराइट। सो मैं साइड में हो जाती हूँ एंड मेक श्योर यू टेक स्क्रीनशॉट, ऑलराइट। तो हमारा सबसे फर्स्ट जो टेंस है वो हमारा है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? ये होती है इसकी पहचान ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं अगर आ जाता है तो इट मीन्स वो हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, ये क्या है? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, पढ़ाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट जो इसकी पहचान होती है वो ता है, ती है, ता है, ते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या होगी? हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में फैक्ट्स, हैबिट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं। फैक्ट्स, हैबिट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ। बाय मीन्स, इट मीन्स कि जैसे मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। फैक्ट है कि मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, ठीक है। हैबिट, कोई भी आदत होगी, जैसे मैं गाना गाती हूँ, ये मेरी आदत है। कोई भी सेंटेंस अगर हमें हैबिट शो करता है तो वो हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो सूरज है वो चमकता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, नोबडी कैन चेंज इट, सो इट विल बी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस अगेन, ठीक है। और प्रेजेंट इन हर के क्या होगा कि जितने भी हमारे टेंसेज होंगे उन सबके तीन टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। वो तीन टाइप कौन से होंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। हर देखो सारे जो टेंसेस होंगे ना उनका एक फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब में ये फॉर्मूला होगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि टेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे और वर्ब की फॉर्म्स चेंज होगी, सिर्फ ये डिफरेंस होगा और कोई डिफरेंस नहीं होगा। बाकी आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल जो टेंस है हमारा अफर्मेटिव टेंस, इसका जो सेंटेंस, इसका फॉर्मूला हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ठीक है। वर्ब मैंने बताया था, क्रिया, कोई भी काम, ठीक है। एस और ई एस का यूज मैं बताऊंगी कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस, जो वर्ब होती है उसका बेस होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाती हूँ, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में तो कैसे हो जाएगा? आई ईट फूड, ऑल राइट, आई ईट फूड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो एस और ई एस, इसका यूज हम कब लेंगे, हमें कब लेना है एस और ई एस का यूज? तो एस और ई एस का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार आप ये यहाँ से लेकर ना यहाँ तक लिख लीजिए, क्योंकि ब्लैकबोर्ड में स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको और अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। तीन चीज, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, इसकी जो पहचान है, ये आप लिख लीजिए और यू कैन जस्ट टेक स्क्रीनशॉट। आई होप यू ऑल आर डन, ऑलराइट। तो एस और ई एस का यूज कहां लेना है? सी,
एस और ईएस का यूज लेंगे हम हमेशा सिंगुलर पर्सन के साथ. और सिंगुलर पर्सन हमारे कौन होंगे? ही, शी, इट. ठीक है, एस और ईएस का हम यूज कब लेंगे? सिंगुलर पर्सन के साथ, ही, शी, इट. ठीक है, और प्लूरल कौन होते हैं? प्लूरल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो होते हैं आई, वी, यू एंड दे. वैसे तो आई सिंगुलर होता है बट एक एक्सेप्शन है कि हम आई को प्लूरल में कंसिडर करते हैं. ऑलराइट, सॉरी. तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया सब्जेक्ट प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. मैं खाना खाती हूँ, मैं क्या है यहाँ पे? प्लूरल. ठीक है, तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस और ईएस नहीं आएगा. और क्या खाती हूँ? खाना, फूड. हम एग्जाम्पल लेते हैं सिंगुलर का. देखिए ये क्या है, शी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है. प्ले हमारी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. प्ले है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे हमने क्या लगाया? एस. एस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे शी आ रहा है. शी क्या है? सिंगुलर. ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस. अब आता है हम नेगेटिव सेंटेंस पे. नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? वही चीज होगी, सब्जेक्ट प्लस इसमें क्या होगा? डू और डज ऐड होगा. डू डज क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब. और मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब. जो हमारी वर्ब होती है उसको हम मेन वर्ब बोलते हैं, और जो डू डज वगैरह होती है इनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट. नॉट क्यों? बिकॉज दिस इज नेगेटिव सेंटेंस. प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज, जो हमारा पहले था. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. मैं खाना नहीं खाती हूं. आई, अब आई के साथ क्या आएगा? डू या डज. सेम केस, डू और डज किस किस के साथ आएगा मैं बताती हूं. जो प्लूरल है हमारा, क्या था प्लूरल? आई, वी, यू एंड दे. सिंगुलर क्या था? ही, शी, इट. ठीक है, तो जो हमारा डू है वो हमेशा प्लूरल के साथ आएगा. प्लूरल के साथ आएगा डू, और सिंगुलर के साथ आएगा डज. ऐसा क्यों है? देखो मैं एक तरीका बताती हूँ. यहाँ पे एस और ईएस किसके साथ आ रहा था? सिंगुलर के साथ. तो अब आप देखिए, डू और डज में से ईएस किसके साथ आ रहा है? डज के साथ आ रहा है हमारा ईएस. इट मींस इसको हम सिंगुलर के साथ लगाएंगे. ही, शी, इट के साथ हमारा डज लगेगा, डू हमारा लगेगा प्लूरल के साथ. ठीक है, तो मैं खाना नहीं खाती हूँ. आई, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? डू, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, फूड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट. आई डू नॉट ईट फूड. अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल था शी प्लेज फुटबॉल, इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं. शी के साथ आएगा डज नॉट. अब यहाँ पे देखो प्लेज था, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ प्ले लिखना है. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो एस है वो डज में आ चुका है, हमको नहीं लगाना एस और ईएस. ठीक है, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल. ऑलराइट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया. लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सेम वही फॉर्मूला होगा, बस जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी डू और डज वो सबसे आगे आ जाएगी. डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ठीक है, बस इसमें क्या चेंज होगा? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी, बाकी फॉर्मूला एज इट इज होगा अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह. इसका एग्जांपल हम देखते हैं. क्या मैं खाना खाती हूँ? ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पहले आएगा डू, फिर आएगा सब्जेक्ट आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, ऑब्जेक्ट है हमारा फूड और क्वेश्चन मार्क डू आई ईट फूड. ठीक है, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, इसको हम क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा होगा डज शी प्ले फुटबॉल. ठीक है, और क्वेश्चन मार्क. तो ये हमारा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस कंप्लीट हो चुका है. मैं साइड में हट जाती हूँ, यू गाइज जस्ट टेक स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. ऑलराइट, ठीक है. तो अब हम आते हैं हमारे सेकंड टेंस पे, जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्चुअली बहुत इजी है. इसमें इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही हूँ, रहे हैं, मतलब जो काम हमारा चल रहा है, मतलब जो काम हमारा चल रहा है और ख़त्म नहीं हुआ है. ठीक है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो काम हमारा चल रहा है. और सेकंड इसकी पहचान होगी इनकम्प्लीट वर्क, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, अभी भी मेरा काम है प्रोग्रेस में, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए इसकी सेकंड पहचान होगी इनकम्प्लीट वर्क. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी होती है इज, एम, आर. ठीक है, अब इस एम आर का यूज हम किस किस के साथ लेंगे मैं बताती हूँ. इज हमारा सॉरी आई एम सॉरी आई जस्ट मेड अ मिस्टेक वेट अ मिनट आई जस्ट मेड वन मिस्टेक द मिस्टेक इज हमारा यहाँ पे एम आएगा और यहाँ पे इज आएगा. देखो, हमारा जो एम है वो हमेशा आई के साथ आता है, ठीक है, और जो इज है वो हमेशा हमेशा सिंगुलर जो पर्सन होता है ही शी इट के साथ आएगा, और जो आर है वो हमारा प्लूरल पर्सन के साथ आएगा, यू वी दे. एक बार फिर से देखिए, एम हमारा आएगा आई के साथ, इज आएगा ही शेट के साथ, आर आएगा यू वी दे के साथ. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, एम इज आर. ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी. यहाँ पे जी हाँ, मतलब हम एक्चुअली वर्ब और आई एन जी अगर मिक्स कर देते हैं तो वो बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म. ठीक है, जैसे गो वेंट गॉन, गो की फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म, गोइंग गो प्लस आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी हमको इसमें करनी है, तो ये बहुत ईजी है. ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, तो मैं क्या है, आई, आई के साथ क्या आएगा, एम, टीच हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसमें हम आई एन जी मिला देंगे, आई एम टीचिंग यू, हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, आई एम टीचिंग यू. ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया है. इसका हम एक सिंगुलर में भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह खाना खा रही है. ठीक है, शी, वह क्या है हमारा, शी, शी हमारा क्या है सिंगुलर, शी के साथ आएगा इज, शी इज ईटिंग, ईट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी लगा देंगे, फूड. Alright, and we are done with affirmative sentences. Second हमारा है negative sentences. वही होगा same subject plus helping verb. बस इसमें change क्या है, negative है तो हम not लगा देंगे, वो भी helping verb के बाद, plus verb की first form और ing plus object. यही example हम देखते हैं, I am teaching you. इसको negative में अगर हम convert करेंगे तो कैसे होगा, I, what is wrong with the marker, all right, I am not teaching you,
ठीक है, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे शी इज ईटिंग फूड तो क्या होगा, शी इज नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव कंप्लीट हो गया। लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, देखो मेन चीज नोटिस करना, इंटेरोगेटिव में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सबसे पहले आएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, ये हमारी सबसे पहले लग जाएगी। बाकी का जो फॉर्मूला है एज इट इज अफर्मेटिव की तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इसमें क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे लग गई है। तो इसका एग्जाम्पल क्या था, आई एम टीचिंग यू, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे इंटेरोगेटिव में तो कैसा होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, तो एम आई टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं। ठीक है, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव। और शी इज ईटिंग फूड, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा होगा इज शी ईटिंग फूड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो नाउ वी आर डन विथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, मैं साइड में हट जाती हूँ। मेक श्योर यू गाइस आर टेकिंग स्क्रीनशॉट एंड यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस इन योर नोटबुक्स। All right. तो अब हम आते हैं हमारे थर्ड टेंस पर, जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, किया है, चुका है, मतलब कोई काम जो हम कर चुके हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वी शेयर ओल्ड एक्सपीरियंस, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, चुकी हूँ मतलब मैं वो काम कर चुकी हूँ। ठीक है, ये हमारी हो गई इसकी पहचान। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, हैज हैव। हैज हैव का यूज हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, हैज का यूज आएगा हमारा प्लूरल के साथ, सॉरी सिंगुलर के साथ, आई एम सॉरी, हैज का यूज आएगा सिंगुलर के साथ। सिंगुलर क्या होते हैं, ही शी इट। हैव का यूज आएगा प्लूरल के साथ, प्लूरल क्या है, आई वी यू दे। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। लास्ट में मैं एक टेबल बना दूंगी जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सारा सेम होता है, बस वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसका अफर्मेटिव हम देखेंगे, सिंपल सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे होगी, अगर हम देखें कि गो, गो क्या है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, डब्ल्यू ई एन टी, गो वेंट। थर्ड फॉर्म होती है हमारी गॉन, जी ओ एन ई गॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं तुम्हें, नहीं मैं घर जा चुकी हूँ। ठीक है, मैं घर जा चुकी हूँ, तो इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, आए, मैं को हम लिखेंगे आए, मैं घर जा चुकी हूँ। हेल्पिंग वर्ब आएगी, आए के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, आई हैव गॉन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यहां पे आएगी गॉन टू होम। ठीक है, मैं घर जा चुकी, आई हैव गॉन टू होम। ऑल राइट, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। इसका हम एक सिंगुलर में भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह खाना खा चुकी है, शी हैज क्यों आएगा, क्योंकि शी आ रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, ईट एट, ईटन। She has
ईटन फूड, ठीक है। यहाँ पे हम अफर्मेटिव सेंटेंस का इस तरीके से यूज लेते हैं और ये वी आर डन विथ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव में सेम वही फॉर्मूला होगा, बस नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम एग्जांपल लेते हैं कि मैं इसको हम जो ये हमारा एग्जांपल आई हैव गॉन टू होम, इसको अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? आई हैव नॉट गॉन टू होम। आई हैव नॉट गॉन टू होम, ऑल राइट। अब शी हैज ईटन फूड, इसको कन्वर्ट करते हैं, सॉरी, शी हैज नॉट ईटन फूड, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव की खासियत तो मैंने क्या बताई थी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी वो हमारी सबसे पहले आ जाएगी। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हम देखते हैं, शी हैज़ नॉट ईटन फूड, इसको हम अगर इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? क्या वह खाना खा चुकी है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, हैज शी ईटन फूड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव। हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब होगी हैज हैव, बाकी फॉर्मूला वही चलता आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, ठीक है। मैं साइड में हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हमारे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। ये थोड़ा सा टिपिकल है, वैसे तो इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि उसमें दो चार चीज़ें ऐड ऑन होगी। इसीलिए मैं इसकी टेबल नहीं बना रही हूँ, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सबसे पहले तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट में परफेक्ट भी आ रहा है और कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है, तो परफेक्ट जो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज हैव थी, तो हमने यहाँ पे हैज हैव ले ली, बस बीन ऐड हुआ है। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूस में हम क्या करेंगे? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि एक्चुअली में इसमें होता क्या है। पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, इसका फॉर्म होगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब इसमें नई चीज क्या है? हेल्पिंग वर्ब तो हो गई, वर्ब की फॉर्म भी हमें पता चल गई, नई चीज क्या है इसमें? है सिंस फॉर टाइम। अब सिंस और फॉर टाइम क्या है, हम इसका यूज कैसे लेंगे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की खासियत क्या होती है कि हम जो काम हमारा मतलब पहले से चल रहा है और अभी तक चल रहा है, ठीक है। जैसे जो काम हमारा अभी तक चल रहा है, ठीक है, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं कैसे करेंगे। सब्जेक्ट आई, वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वेट का होगा वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग आपका
फॉर यू, ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। यहां पे मैंने मॉर्निंग के साथ सिंस क्यों लगाया, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा सिंस और फोर होगा वो हमारा एक टाइम के साथ आता है। सिंस किसके साथ आएगा, अगर हमें सेंटेंस में एग्जैक्ट टाइम डेट अगर हमें पता है, दे रखी है, तो हम उसके आगे हमेशा सिंस लगाएंगे। मॉर्निंग मतलब सुबह, हमें एग्जैक्ट टाइम पता है कि मॉर्निंग सुबह की बात कर रहे हैं, तो हम सिंस लगाएंगे। अगर यहाँ पे ये होता कि आए मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, इसकी बजाय अगर ये होता कि मैं दो दिन से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा सेंटेंस होता ये, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर टू डेज। यहाँ पे फोर हमने इसलिए लगाया, फोर हमने इसलिए लगाया क्योंकि एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता, कौन से दो दिन नहीं पता हमें कि कौन से दो दिन की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे फोर लगाएंगे सिंस हम लगाएंगे जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता है, फोर लगाएंगे अगर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेगेटिव पे, फिर इंटरोगेटिव पे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला होगा, बस हमको इसमें नॉट लगाना है। नॉट कहाँ लगाना है ये आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हैज बीन हैव बीन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हैज बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। Has, have, plus not, plus been. इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा, बाकी सारा सेम होगा अफर्मेटिव की तरह, ठीक है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपका बेटा दो दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, योर सन हैज नॉट been coming to school। अब बताइए यहाँ पे फोर आएगा या सिंस आएगा, फोर आएगा क्योंकि आपका बेटा दो दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, हमें नहीं पता कौन से दो दिन की बात हो रही है। Your son has not been coming to school for two days। All right, we are done with negative sentence। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे interrogative sentence, present perfect continuous का, that will be our last tense of present, ठीक है। इसके बाद फिर हम past और future के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको present आ जाता है समझ में, तो past और future भी आपको easily समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे जो tense हैं relate करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में क्या होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आगे आ जाएगी, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। इसमें क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब वैसे तो हैज हैव हैज बीन हैव बीन है, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ये स्प्लिट हो रही है, has been अलग हो रहा है, नेगेटिव में नॉट बीच में आ जाएगा, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा has, have और been के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया has, have plus subject plus been plus verb की first form ing, बाकी सारा हमारा सेम होगा अफर्मेटिव की तरह। हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझते हैं तो ऐसा होगा, क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो, क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंटरोगेटिव में,
अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हैज हमारा पहले नहीं हैज आएगा या हैव आएगा? यू के साथ क्या आता है? हैव, ठीक है? हैव सब्जेक्ट क्या है? यू, फिर आएगा बीन, हैव यू बीन, वर्ब हमारी वर्किंग, ऑब्जेक्ट है हमारा हियर, हैव यू बीन वर्किंग हियर। अब बताइए यहाँ पे सिंस आएगा या फोर आएगा? 10 साल से काम कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे सिंस आएगा तो आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ठीक है टाइम दे रखा है 10 साल हो गए, लेकिन हमें नहीं पता कौन से 10 साल। ठीक है 10 साल कोई से भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फोर। हियर हैव यू बीन वर्किंग हियर फोर फोर सॉरी आई एम फंबल अ लॉट फॉर 10 years क्वेश्चन मार्क। Have you been working here for 10 years? क्या तुम यहाँ 10 साल से काम कर रहे हो? ठीक है? And we are done with present tense. I hope you guys have understood everything. ठीक है? अब हम आएंगे हमारे second tense पे, जो हमारा होगा past tense. Just take the screenshot.